Chicken sausages. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन सॉसेजेस बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा लिया है मैंने 1 kg के करीब। बेल पेपर ली थी मैंने रेड, येलो और ग्रीन, उनको तकरीबन हाफ हाफ बेल पेपर लेके मैंने उनको चॉपर में पीस लिया है और उसका जो पानी था वो निकाल लिया है, फ्राई कर लिया है। ये तकरीबन एक प्याली के करीब हमारी बेल पेपर हो गई है। इसके अलावा 1 teaspoon मैंने लेमन पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर है, 1 teaspoon ऑरिगेनो है, 1 tablespoon हम पेपरिका पाउडर यूज़ करेंगे, 1 tablespoon इटालियन सीजनिंग ली है मैंने और इसके साथ मैंने हाफ टी स्पून अनियन पाउडर लिया है। इसके अलावा हमने लिया है तकरीबन 1.5 teaspoon सॉल्ट, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1 tablespoon हम टोमेटो केचप यूज़ करेंगे, 1 tablespoon सोया सॉस, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा हम फूड रैप यूज़ करेंगे, प्लास्टिक रैप है ये हम यूज़ करेंगे। अच्छा, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीमे के अंदर सारे मसालों को डाल के मैं इसको चॉपर में मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, हमारा मसाला मिक्स हो गया है और ये बहुत ही फाइन चॉप हुआ है, ये देखें बिल्कुल। अब क्या करेंगे, हम एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ये जो हमारी प्लास्टिक रैप है इसको ऐसे आप ऐसे मैंने इस पर फैला लिया। अब मैं क्या करूँगी, हाथों को ऑयल से ग्रीस करूँगी और इसको ऐसा रफली सा बस बॉल बनानी है। ऐसे साइज़ आप अपने लिहाज से बना सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए हो, बड़ा छोटा उस लिहाज से आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे। अब इसको टाइटली मैं रैप करना शुरू कर दूंगी। इसको थोड़ा सा शेप दे दीजिएगा सॉसेज स्टाइल का, लंबा लंबा ऐसे कर करके हम इसको रैप करते रहेंगे। ये देखें, इस तरह मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ और ये देखें खुद ही शेप लेना शुरू कर दिया इसने सॉसेज जैसा। ये देखिए, ऐसे इसको अच्छी तरह रैप कर लेंगे। अब इसको दोनों साइडों से ऐसे मोड़ दें, ये ऐसे, और इस तरफ से भी ऐसे कर लेंगे टॉफी की तरह जैसे बंद करते हैं हम, और इसको ये देखें इस तरह ना, इस तरह ये देखें बराबर इसका शेप आ जाता है। अब मैं इसको दोनों तरफ से टाइटली बंद कर दूंगी। ये देखें, इस तरह हमने एंड तक इसको रोल करके और इसको इस तरह अंदर कर देंगे। ये देखें, इसी तरह मैं सारे सॉसेज बना लूँगी और जब तक मैं सॉसेज बना रही हूँ उस वक्त तक मैंने एक बड़ी पतीली में पानी भर के गर्म कर बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये हमारा सॉसेज तैयार है, इसी तरह सब बना रहे हैं हम। एक टिप बता देती हूँ, जब भी बनाएं तो आप रैप को ऐसा बनाए लपेटिएगा कि साइड से ये ज़्यादा हमारे पास रैप खाली बचे और हम इसको बंद कर सकें ताकि जब हम पानी में बॉयल करने रखें तो ये खुल ना। ये देखें, बस ये बॉयल हो रहे हैं और हम इसको हल्के हल्के हाथ से अंदर की तरफ करते रहेंगे ताकि ये हमारे खुले भी नहीं और इनमें जो एक शेप आनी है वो आ जाए अच्छी सी। और जब ये 5 मिनट बॉईल हो जाएंगे तो मैं इसको, मैंने चिल वाटर निकाल के रखा हुआ है बाउल में। ये देखिए, ये चिल वाटर रखा है, इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, वरना आप इसमें क्यूज़ भी डाल सकते हैं। और मैं इसको 5 मिनट बाद निकाल के चिल वाटर में डाल दूंगी और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहें तो आप इसको निकाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद जो भी आपकी प्लास्टिक रैपे हैं वो बहुत इजीली निकल जाएगी और इनका शेप भी बहुत अच्छा आ जाएगा। ये हमारे सॉसेजेस तैयार हो चुके हैं, ये आप देखें, और बहुत ही अच्छा इनका शेप आया है। अच्छा, इसको अभी आप क्या करेंगे, क्या आपको स्कूल में बच्चों को देना है तो उसके लिए आप इसको ज़िप्रॉक पे रख कर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रीज करना नहीं चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब भी आपको यूज़ करना हो ऑफिस में से निकालें और इसको फ्राई कर लें और बर्गर में भी डाल के दे सकते हैं, बच्चे डायरेक्ट भी खाना पसंद करते हैं। और मैं आपको अभी सिर्फ 2 फ्राई करके दिखा देती हूँ, बाकी मैं इन्हें ज़िप्लॉक में रख दूँगी। ये देखें, थोड़े से ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। ये देखें, इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी और फिर इसे आप लॉन्ग बन में डाल के सर्व कर सकते। ये देखिए फ्रेंड्स, ये विदाउट फ्राई है हुए हुए ये सॉसेजेस हैं और इसको मैं फ्रीज कर सकते हैं, आपको मैंने दोनों तरीके से बताया है। और ये मैंने आपके लिए
दो सॉसेज जो हैं फ्राई कर रहे हैं, उन्हें मैंने काटा भी है, ये देखें आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।